एवरीवन, तो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। गाइस देखिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 का हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम गाइस देखिए 60 तक के एमसीक्यू फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 61 एमसीक्यू से डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले यदि आपको इसमें कोई भी डाउट आता है हम डिस्कस करने के बाद, तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखिए, अब गाइस देखिए 61 के लिए आप सबसे पहले एक फॉर्मूला नोट कीजिए। गाइस देखिए, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला गाइस देखिए, आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आप नोट कीजिए। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, माइनस कर देते हैं गाइस देखिए जो कॉमन होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए। और गाइस देखिए इसमें प्लस कर देते हैं जो कि हमारे पास कॉमन है तीनों में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले गाइस आप इस फॉर्मूले को नोट्स कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप कि आपने नोट किया होगा, आइए देखते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ओनली शुरू से देखिए गाइस, आउट ऑफ 2000 स्टाफ 48 प्रेफर्ड कॉफ़ी, 54% टी एंड 64% कोका। अब गाइस देखिए, आउट ऑफ दिस 20% यूज कॉफ़ी एंड टी, यानी मींस क्या है यहाँ पर, इंटरसेक्शन की दोनों को जो प्रेफर कर रहे हैं, 32% टी एंड कोका एंड 30% कॉफ़ी एंड कोक। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि ओनली 6% डिड नन ऑफ दीज। अब गाइस देखिए 2000 में से जो पीपल हैं वो 6% ऐसे हैं जो कुछ भी प्रेफर नहीं करते, कुछ भी यूज नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा गाइस देखिए, 96% मेरा क्या हो जाएगा जो कि, सॉरी गाइस 94% मेरा क्या हो जाएगा जो कि कुछ ना कुछ यूज करते हैं, कुछ ना कुछ यूज करते हैं को हम किससे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, कितना आ गया मेरा यहाँ पर 94%। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ हैविंग ऑल द थ्री। अब गाइस देखिए जो तीनों यूज करते हैं, तो गाइस देखिए सिंपली मेरे पास सब चीज़ गिवन है यहाँ पर, देखिए पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी सी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, पी बी इंटरसेक्शन सी भी गिवन है मेरे पास यहाँ पर, और पी सी इंटरसेक्शन ए भी गिवन है। और गाइस देखिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी हमने 94 कैलकुलेट किया है यहाँ से, तो आइए सिंपली कर लेते हैं। अब गाइस देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में पुट करता हूँ तो कितना आएगा मेरा, 94 इज इक्वल टू देखिए 48 प्लस 54 प्लस 64। अब गाइस देखिए माइनस यहाँ पे करना कितना, 28 माइनस 32 माइनस 30। और गाइस देखिए प्लस क्या कर देंगे इसमें, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब गाइस देखिए ये यहाँ पर प्लस का है, इसको यहीं रहने देते हैं, इन सब डाटा को गाइस देखिए इधर की साइड ले जाते हैं, तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आ गया यहाँ पर, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है 18%, क्योंकि गाइस देखिए इन सब के आगे क्या था, परसेंट था, मैंने लगाया नहीं था जान पूछ के, ठीक। देखिए तो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है 80%। तो गाइस देखिए ये इंटरसेक्शन क्या डिनोट करता है, कि जो तीनों में कॉमन है, कि जो तीनों यूज करते हैं कॉफ़ी टी एंड कोका। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोके इसमें देखिए 18% आया, तो गाइस देखिए टोटल का मैं 18% निकाल लेता हूँ, 18 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा कितना आ रहा है 360। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ गाइस आपको क्या ध्यान रखना है कि 6% जो है वो किसी को प्रेफर नहीं करते, तो 94% किसी ना किसी को प्रेफर करते हैं, तो उसके बेस पर हम जो है डाटा को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए 62 में क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन नंबर 61 विद द सेम ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए बी सी एंड डी, फाइंड द नंबर ऑफ हैविंग टी एंड कोका बट नॉट कॉफ़ी। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि टी और कोका को यूज करता हो लेकिन कॉफ़ी को यूज ना करता हो, तो गाइस देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें क्या होगा कि उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन चीज़ गिवन है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या मानता हूँ, टी, इसको कॉफ़ी, और इसको क्या गाइस देखिए यहाँ पर कोका। तो गाइस देखिए ये जो मेरे पास तीनों में कॉमन है, ये मेरा कितना आया था 18% आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो तीनों यूज करते हैं वो कितना था हमारा 18%। अब गाइस देखिए 18% ये तो चीज़ आ गई, और गाइस देखिए अब मेरे पास क्या कह रहा है यहाँ पर, आउट ऑफ दिस 28% यूज कॉफ़ी एंड टी। अब गाइस देखिए जो 28% है वो कॉफ़ी और टी दोनों को यूज करते हैं, यानी देखिए गाइस कॉफ़ी मेरा ये और ये यहाँ, मतलब जो यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है इसमें क्या है कि 28% है, तो गाइस देखिए 18% तो मेरा ये निकल गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 10%। क्लियर हुई होगी बात इजीली, देखिए
अब क्या कह रहा है गाइस, देखिए 32% टी एंड कोका। अब गाइस देखिए 32 माइनस कर लीजिए कितना, 18 कितना आ गया गाइस, देखिए ये मेरा 14 आ जाएगा। क्या कह रहा है, टी और कोका में गाइस देखिए कितना है टोटल 32%। तो गाइस देखिए 18 तो मेरा ये था, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 14। आगे देखिए, अब गाइस देखिए आगे क्या कह रहा था, 30% कॉफ़ी एंड कोका। अब गाइस देखिए 30% था, तो गाइस देखिए सिंपली मेरा ये क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस कर लीजिए 30 माइनस 18 कितना आएगा गाइस, देखिए ये चीज़ मेरी कितनी बचेगी, ये चीज़ कितनी बचेगी गाइस, देखिए यहाँ पर 12%। अब देखिए आगे, अब गाइस देखिए टोटल मेरे पास कितनी कॉफ़ी की इन्होंने जो है वो दे रखी थी, 48% टोटल कॉफ़ी जो को प्रेफर कर रहे थे, जो मेरा स्टाफ था 48% था टोटल गाइस, मतलब ये चीज़ ये पूरी टोटल कितनी थी 48%, जिसमें से गाइस देखिए ये 10% भी इंक्लूड है यहाँ पर, ये 18% भी इंक्लूड है, और ये 12% भी इंक्लूड है उसमें। तो माइनस कर लीजिए 48% माइनस 10 माइनस 18 माइनस 12 गाइस देखिए ये मेरा कितना आ गया 8%। तो गाइस देखिए मेरे से वहाँ पर कॉफ़ी की डिटेल ही पूछ रहा था, अब आइए देख लेते हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा हमारा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या था इसने, फाइंड द नंबर ऑफ हैविंग टी एंड कोका बट नॉट कॉफ़ी। अब गाइस देखिए टी और कॉफ़ी को यूज करते हो लेकिन कोक को यूज ना करते हो, तो गाइस देखिए टी एंड कॉफ़ी को यूज करने वाले मेरे कितने हैं, मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, देखिए टी और कोका। अब गाइस देखिए टी और कोका को कितने परसेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 48% जो है यहाँ पर मेरे यूज कर रहे हैं वो, सॉरी गाइस 14%। तो गाइस देखिए सिंपली क्या करना है हमें यहाँ पर 14% कैलकुलेट कर देना है, क्योंकि गाइस देखिए टी मेरा ये वाला सर्कल है और कॉफ़ी मेरा ये वाला सर्कल है, इसमें गाइस देखिए ये चीज़ क्या है कि जो दोनों में कॉमन है 14%, लेकिन गाइस देखिए 18% तो वो है ना इसमें जो कि तीनों को प्रेफर कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या पूछ रहा है कि टी और कॉफ़ी को प्रेफर करते हो, कोका को कॉफ़ी को प्रेफर ना करते हो, तो वो मेरे कितने आ जाएंगे यहाँ से 14%। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए देखते हैं गाइस, देखिए यदि मैं 2000 का 14% निकालता हूँ, 14 डिवाइडेड बाय 100, तो गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है 280। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा किसके लिए गाइस, देखिए 62 के लिए मेरा कितना होगा 280। अब गाइस देखिए 63 देखिए इसी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आपको पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ हैविंग ओनली कॉफ़ी। अब गाइस देखिए ओनली कॉफ़ी यहाँ पर कितने प्रेफर करेंगे, यहाँ पर ये बोथ वाले थे और ये थे जो इन दोनों में से एक को प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर जो ये 12% मेरा आया था ये कौन था जो इन दोनों में से एक को प्रेफर कर रहा है, तो ओनली गाइस देखिए कॉफ़ी को कौन प्रेफर करेगा जो मेरा यहाँ पर है ये चीज़, तो गाइस देखिए कितना होगा ये मेरा 8%। तो गाइस सिंपल क्या करना है हमें 2000 का 8% को कैलकुलेट कर लेना है। आइए देखते हैं गाइस देखिए 2000 का यदि मैं 8% निकालता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 160। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइज ये आपको चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगेन मैं आपको इस तीनों एमसीक्यू की सेपरेट वीडियो एक प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए गाइज 64 और 65 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि गाइज देखिए ये जो है मेरे MCQ 5 मार्क्स के हैं और एग्जाम हमारा गाइस 1 मार्क्स के आते हैं हमारे एग्जाम में, तो ये MCQ नहीं पूछेगा। ICAI इस बात को समझता है, यदि वो एग्जाम में देगा तो वहाँ पर स्टूडेंट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होगा, इसलिए गाइस लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें करना ही करना होता है एग्जाम में आए या ना आए, उनके लिए गाइस मैं कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से इन दोनों का सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। आइए 66 देखिए, अब गाइस देखिए 66 में क्या कह रहा है, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट 45 पास इन अकाउंट्स 15 मैथ्स 13 कोस्टिंग। कोस्टिंग का यहाँ पर क्या एक सब्जेक्ट है, आप इंटर में पढ़ेंगे CA। आइए 13 बोथ अकाउंट्स एंड मैथ्स, 32 बोथ मैथ एंड कोस्टिंग, 35 बोथ अकाउंट्स एंड कोस्टिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, 25 स्टूडेंट पास इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट, 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों में पास हुए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हु पास एट लीस्ट इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, कि हमें एक ऐसा स्टूडेंट बताइए जो सारे सब्जेक्ट में से किसी एक ना एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो। तो गाइस देखिए सिंपली हमारे से यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है, यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, और गाइस देखिए मैंने इसको आपका फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग में ही इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स कराया है। गाइस देखिए एट लिस्ट का मतलब ही क्या है यहाँ पर, कि कोई ना कोई एक जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ हो, तो हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर, यूनियन, और मैंने यूनियन का फॉर्मूला आपको नोट्स कराया है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 45 + 50 + 30 माइनस कर दूंगा जो कि किसी दो सब्जेक्ट में मेरे एंगेज थे, कितने गाइस देखिए 30 - 32 - 35, और गाइस देखिए प्लस क्या करना होता है मुझे, इंटरसेक्शन जो कि तीनों में इंक्लूड था मेरे, जो तीनों में पास आउट है कितने थे 25,
अब गाइस देखिए 30 से तो यहाँ 30 कैंसिल हो जाएगा, इसको इसको और इसको यदि मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा गाइस देखिए यहाँ पर 120 माइनस कर देंगे इसको और इसको कितना आ जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर मेरा 67। इसको सोल्व करने पर गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है 53। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप इसको 2 से 3 सेकंड में इजीली सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। आइए 67 देखिए, आफ्टर क्वालिफाइंग आउट ऑफ 400 प्रोफेशनल 112 ज्वाइन इंडस्ट्री 120 स्टार्ट प्रैक्टिस 160 पेड असिस्टेंट। अब गाइस देखिए देयर वर 32 हु वर बोथ प्रैक्टिस एंड सर्विस 40 प्रैक्टिस एंड असिस्टेंटशिप 20 बोथ इंडस्ट्री एंड असिस्टेंटशिप। देयर वर 12 हु डिड ऑल द थ्री। अब गाइस देखिए 12 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे अवेलेबल हैं जो कि तीनों में एंगेज हैं प्रोफेशनल। सॉरी गाइस देखिए यहाँ पर मुझसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, हाउ मैनी कुड नॉट गेट एनी ऑफ दीज। अब गाइस देखिए इनमें से जो कुछ भी ना कर रहा हो, तो गाइस देखिए सिंपली मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ कि जो किसी न किसी एक में एंगेज है, किसी न किसी एंगेज में मैंने आपको स्टार्टिंग में मीन बताया क्या है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गाइस देखिए यदि मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगा कि जो प्रोफेशनल ऐसे हैं कि किसी एक न एक प्रोफेशनल में मेरे एंगेज हैं। और गाइस देखिए फिर मैं टोटल में से माइनस कर देता हूँ तो मेरे जो है फाइंड आउट हो जाएंगे कौन जो किसी भी प्रोफेशनल में मेरे एंगेज नहीं है। तो गाइस देखिए सिंपली क्या करूँगा मैं 112 प्लस 120 मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही नोट कराया था 160 माइनस कर देंगे जो दोनों को कर रहे हैं कितने का ही देखिए 32 माइनस 40 माइनस 20 प्लस कितना का यहाँ पर 12। सोल्व कर लेते हैं, करिए कैलकुलेटर पर 112 120 160 माइनस कर लीजिए 32 माइनस 40 माइनस 20 प्लस कर लीजिए गाइस देखिए इसमें 112। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है मेरा 312। अब गाइस देखिए 312 ऐसे प्रोफेशनल हैं जो किसी न किसी एक प्रोफेशनल में यहाँ पर एंगेज हैं और टोटल मेरे पास गाइस देखिए कितने 400। तो गाइस देखिए 400 में से मैं 312 को यदि माइनस करता हूँ तो मेरे कौन आ जाएंगे गाइस जो किसी भी प्रोफेशनल में एंगेज नहीं है 88। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ इजीली क्लियर होगी। ये 68 देखते हैं। अब गाइस देखिए 68 को हम जो है वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन चीज़ें अवेलेबल थी, क्या क्या गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास इंडस्ट्री प्रैक्टिस और असिस्टेंटशिप गाइस मेरे पास गिवन है। अब गाइस देखिए जिनमें से 12 जो है इन तीनों में इंक्लूड है मेरे, हम जो कॉमन कह सकते हैं 12 है जो मेरे पास तीनों में इंक्लूड है। अब गाइस देखिए 12 में से यहाँ पर इंक्लूड कितने हैं, अब गाइस देखिए मेरे पास जो इंडस्ट्री और प्रैक्टिस में जो दोनों में कॉमन है गाइस देखिए वो कितने हैं मेरे पास 32 और गाइस देखिए 12 कितने जो तीनों में कॉमन है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास ये कितने बचेंगे यहाँ पर 20 सेम एज गाइस देखिए इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 28 और इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 8। अब गाइस देखिए जो टोटल प्रैक्टिस में मेरे पास एंगेज है वो कितने का ही देखिए प्रैक्टिस में एंगेज देख लेते हैं गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास जो प्रैक्टिस में एंगेज है वो कितने का ही देखिए 120 है। अब गाइस देखिए 120 में से मैं क्या करता हूँ 20 माइनस करता हूँ 12 और 28 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा 60 सेम एज गाइस देखिए असिस्टेंटशिप में कितने मेरे पास अवेलेबल है 160 160 में से मैं 28 12 और 8 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा गाइस देखिए मेरा 112 सेम एज गाइस देखिए इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पर कितना आएगा 72। अब गाइस देखिए मेरे पास ये 72 कौन है जो ओनली इंडस्ट्री में इंक्लूड है और 60 कौन है जो ओनली किस में प्रैक्टिस में और 112 कौन है गाइस देखिए जो यहाँ पर मेरे पास ओनली असिस्टेंटशिप में, तो तीनों को ऐड कर लीजिए 72 प्लस 60 प्लस 112 तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 244। आई होप कि गाइस ये चीज़ आपको इजीली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है डायग्राम ड्रॉ करना है, आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा किसके लिए 68 के लिए। 69 में क्या कह रहा है, ए मार्केटिंग रिसर्च टीम इंटरव्यू 50 पीपल अबाउट देयर ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ टी कॉफी और मिल्क ए बी सी रिस्पेक्टिवली फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन बट मैनेजर इज नॉट श्योर वेदर दीज आर कंसिस्टेंट। अब गाइस देखिए कंसिस्टेंट के केस में क्या होता है कि जो हमारे डाटा है वो इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल होनी चाहिए। अब गाइस देखिए ए बी सी नंबर ऑफ हमारे पास दे रखे हैं, तीनों चीज़ गिवन है और गाइस देखिए कैटेगरी भी दे रखी है इसने और नंबर भी दे रखे हैं। अब गाइस देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का मैंने आपको फॉर्मूला जो है गाइस स्टार्टिंग में ही नोट कराया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, ये आप गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ए को मान के चलते हैं कि हम इनकंसिस्टेंट डाटा है मेरे पास। तो गाइस देखिए ये क्या है कि डज नॉट इक्वल टू कह रहा है इनने। अब गाइस यदि ये दोनों डज नॉट इक्वल टू रियली में है तो मेरा क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। चेक करते हैं गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं इनको सोल्व करता तो मेरा कितना आ रहा है 51 और ये क्या कह रहा है डज नॉट इक्वल टू 50 के। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो ये करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन ए इसलिए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो इनकंसिस्ट डाटा है।
क्योंकि गाइस देखिए हमने क्या करा, 42, 17, 27 को ऐड कराए और उसमें से ये सब चीज़ें माइनस कर दी हैं, और जो तीनों में कॉमन है मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर कितना है 3, उसको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर इज इक्वल टू हमारा कितना आना चाहिए था 50, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है हमारा 51। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो इनकंसिस्ट है। क्योंकि गाइस देखिए हमारे पास मेंबर कितने थे यहाँ पर अवेलेबल, कितने थे पीपल 50, और इसके अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं हमारे 51। आई होप कि गाइस ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर हुई होगी। भाई देखिए 71 देखिए सेम एज है, 71 देखिए 71 में गाइस देखिए हमारे पास टोटल बॉयज कितने अवेलेबल हैं 100, 70 को बाद में डिस्कस करते हैं। 100 बॉयज अवेलेबल हैं जिसमें से गाइस देखिए हमारे पास डाटा हमसे पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब गाइस देखिए मुझे इसको सोल्व करने पर मेरे पास कितना आना चाहिए 100, लेकिन गाइस देखिए 100 नहीं आ रहा, इसको सोल्व करने पर गाइस देख लेते हैं कितना आ रहा है। गाइस देखिए 50, 5, 4, 9, 9, 4, 12 गाइस देखिए कितना आ गया, ये मेरा 120 और प्लस 20 140, माइनस करता हूँ कितना 20 और 15 गाइस देखिए सिंपली मेरा कितना हो जाएगा 35। तो गाइस देखिए ये मेरा कितना आ रहा है 105, लेकिन आना कितना चाहिए 100। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, डाटा जो है मेरा वो इनकंसिस्ट है, क्योंकि जब 100 बॉयज मेरे पास अवेलेबल हैं तो 105 का डाटा हम कैसे दे सकते हैं किसी को भी। देखिए 70 में गाइस देखिए क्या कह रहा है मेरे पास, ओन ए सर्वे 100 बॉयज इट वॉज फाउंड 50 यूज वाइट शर्ट 40 रेड 30 ब्लू। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है, सेपरेट डाटा भी गिवन है और दोनों का बोथ के अकॉर्डिंग भी गिवन है। तो गाइस देखिए मुझसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय यूजिंग ऑल थ्री शर्ट। अब गाइस देखिए ऑल थ्री कलर को जो यूज करते हैं तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और गाइस देखिए मैंने आपको यूनियन का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो गाइस देखिए यूनियन मेरे पास कितना गिवन है यहाँ पर 100, तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस देखिए 50 + 40 + 30 - 20 - 15 - 10 और माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब गाइस देखिए यहाँ से यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू गाइस मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ पर 25। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कि तीनों में से कुछ ना कुछ जो है यूज करते हैं, तीनों कलर को यूज करते हैं हम कह सकते हैं। 83 देखते हैं, 83 में क्या कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। अब गाइस देखिए हमारे पास कुछ डेटा गिवन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है कुछ टर्म जो है फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए इफ SMLTI डिनोट शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म स्किल एंड इनडायरेक्ट वर्कर रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन सेट M। अब गाइस देखिए एम यहाँ पर किससे डिनोट कर रहा है, यहाँ पर एम देखिए किससे मीडियम टर्म से डिनोट कर रहा है। तो गाइस देखिए मीडियम टर्म में मेरे पास टोटल वर्कर कितने अवेलेबल है ये पूछ रहा है सेट एम में। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास मीडियम टर्म वाली सीरीज मेरे पास गिवन है इनको ऐड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास 7 + 10 + 16 + 9, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 42। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा था कि सेट एम में बताइए कितने नंबर ऑफ वर्कर टोटल अवेलेबल है। आइए 84 देखिए कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ नंबर 83 फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर इन सेट L इंटरसेक्शन I। अब गाइस देखिए L इंटरसेक्शन I में मेरे पास कितने वर्कर अवेलेबल हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर L का मीन्स क्या है यहाँ पर लॉन्ग टर्म, और उसमें भी क्या कह रहा है इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन है। किस में गाइस देखिए I I यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा था मेरा इनडायरेक्ट वर्कर को। तो गाइस देखिए इनडायरेक्ट वर्कर में मेरे पास कितने 8। तो गाइस देखिए सिंपली मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 8 वर्कर हैं और किस सीरीज में मेरे पास यहाँ पर गिवन है ये लॉन्ग टर्म की सीरीज में। आइए 85 देखते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर 85 में मेरे पास क्या कह रहा है कंसिडर द प्रॉब्लम नंबर 83 फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर इन सेट। अब गाइस देखिए एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो गाइस देखिए हमें शॉर्ट टर्म में देखना है और उसमें भी क्या देखना है गाइस देखिए इंटरसेक्शन किसको स्किल्ड, यहाँ पर गाइस देखिए टी फॉर स्किल्ड है और आई फॉर गाइस देखिए क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर इनडायरेक्ट वर्कर। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर T4 क्या था मेरा स्किल्ड और I4 क्या था इनडायरेक्ट वर्कर। तो गाइस देखिए शॉर्ट टर्म में मुझे कहाँ पर देखना है अपने किस सीरीज में देखना है गाइस देखिए स्किल और इनडायरेक्ट वर्कर की। तो गाइस देखिए कितना है 10। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा क्या होगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन गाइस देखिए ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइस आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। यहाँ पे गाइस देखिए 86 से लेके 89 तक कट ऑफ कर दीजिए, एग्जाम के लिए कोई भी रेलिवेंट नहीं है इनमें से, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्योंकि गाइस देखिए इनको सॉल्व करने में काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है और वहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी लेंथी आपसे कोई भी MCQ वहाँ पर एग्जाम में नहीं पूछता है। ICI भी समझता है कि वहाँ पर यदि हम लेंथी देते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट का टाइम कंज्यूम होगा। 90 देखते हैं गाइस देखिए 90 को आराम से समझिएगा क्योंकि 91 से लेकर 95 तक डिपेंड करते हैं 90 MCQ पर, ठीक है। तो इसलिए 90 को आराम से समझिएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट हमारे पास 1000 स्टूडेंट है जिसमें से कह रहा है
658 फेल इन एग्रीगेट्स। अब गाइस देखिए 658 फेल होते हैं किसमें, एग्रीगेट्स में। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं एग्रीगेट को ए से डिनोट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ग्रुप वन को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ और ग्रुप सेकंड को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए सबसे पहले हम डाटा को नोट करेंगे। आइए, अब कह रहा है 166 इन द एग्रीगेट एंड इन ग्रुप वन। अब गाइस देखिए 166 जो है ग्रुप वन में और एग्रीगेट में मेरे यहाँ पर जो है वो फेल हुए हैं। देखिए 434 इन एग्रीगेट्स एंड ग्रुप सेकंड। कहीं देखिए 434 जो है वो एग्रीगेट में और ग्रुप सेकंड में मेरे फेल हुए हैं। आइए 372 इन ग्रुप फर्स्ट, 590 इन ग्रुप सेकंड एंड 126 इन बोथ ग्रुप। अब कहीं देखिए यहाँ पर मेरे पास क्लियरली डाटा गिवन है, मेरे से क्या कह रहा है, फाइंड आउट हाउ मैनी फेल इन ऑल थ्री। अब गाइस देखिए तीनों में पूछ रहा है कि फेल होने का, तो गाइस देखिए तीनों में कॉमन क्या होगा, मैंने आपको बताया था, तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि तीनों में पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि जो तीनों में मेरे फेल हुए हैं, तो गाइस हमें ये ईजिली फाइंड आउट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा नोट कीजिए। अब गाइस देखिए यहाँ पर डाटा मेरे पास ए कितना अवेलेबल है, यहाँ पर 658, ठीक है गाइस यहाँ पर डाटा अवेलेबल है। अब गाइस देखिए बी मैंने किसको माना है, यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट को, ग्रुप फर्स्ट में मेरे कितने गाइस देखिए बी इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 372, और सी का ही देखिए मैंने किसको माना है यहाँ पर ग्रुप सेकंड को, ग्रुप सेकंड में मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 590। तो सबसे पहले तो गाइस आपको ये डाटा ही जो है क्लियर होना चाहिए। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास ए यूनियन बी कितना है, यानी जो एग्रीगेट और ग्रुप फर्स्ट में फेल हुए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मेरे पास जो गिवन है 434 गिवन है। अब गाइस देखिए आगे देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी कितना गिवन है गाइस, जो मेरे ग्रुप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों में फेल हुए हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कितना है 126 है। अब गाइस देखिए सी इंटरसेक्शन ए मेरे पास कितना गिवन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं 166। तो गाइस सबसे पहले आप इस डाटा को नोट्स कीजिए, यदि आपको ये डाटा क्लियर है तो आप इसको ईजिली सोल्व कर पाएंगे। और गाइस देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी भी यहाँ पर गाइस देखिए गिवन है कितना, स्टार्टिंग में ही दे रखा है मुझे कितने आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट, यानी 1000 स्टूडेंट मेरे पास गिवन है, यानी जो तीनों में मेरे पास कॉमन है वो कितने है? मेरे 1000 स्टूडेंट हैं। अब गाइस देखिए मेरे पास सारा डाटा जो है अवेलेबल है, हम यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। आइए गाइस देखते हैं। अब गाइस देखिए मैंने इसका फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, किसका, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का। यहाँ पर फॉर्मूला मेरा क्या होता है गाइस देखिए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी, क्या हो जाएगा गाइस देखिए सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस करते हैं गाइस देखिए हम क्या, यहाँ पर जो मेरा कॉमन है यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गाइस देखिए और यही मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये भी मेरे पास गिवन है, ये भी गिवन है, गाइस देखिए सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है, मुझको सिर्फ और सिर्फ पी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सिंपली 1000 इज इक्वल टू गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 658 प्लस यहाँ पर 590 प्लस गाइस देखिए कितना कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, जो मेरे एंड ग्रुप इन सेकंड में कितने गाइस देखिए 372 गाइस देखिए। कोई डाटा जो है रीअरेंज हो जाता है तो आप उसको अरेंज करके नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नोट्स कराया था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। -136 अब गाइस देखिए माइनस कितना करना है मुझे, 126 को माइनस करना है, और गाइस देखिए यहाँ पर कितना माइनस करना है देख लेते हैं एक बार, गाइस देखिए 434। अब गाइस देखिए आप इस डाटा को कंप्लीट सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो है ऑप्शन निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कंप्लीट सोल्व कराने की गाइस यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही पहले ही जो है आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो गाइस देखिए 106 होगा यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर होगा, तो हम कह सकते हैं गाइस ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। अब गाइस देखिए 91 के लिए मुझे जो है इजीली यदि किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए वेन डायग्राम को गाइस जो हमें वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा इजीली क्लियर हो जाएगा। गाइस देखिए मेरे पास यहाँ पर तीन सर्कल जो है मुझे बनाने ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि एक गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास एग्रीगेट का एक फर्स्ट ग्रुप एंड एक सेकेंड ग्रुप। अब गाइस देखिए मैं इसको एग्रीगेट मान लेता हूँ, इसको ये मैं फर्स्ट ग्रुप मानता हूँ, इसको सेकेंड ग्रुप मानता हूँ। अब गाइस देखिए जो तीनों में फेलते हैं यहाँ पर मेरा जो ये चीज़ थी मेरे पास कॉमन, गाइस देखिए यहाँ पर कितनी आई है मेरी 106, ये चीज़ आपको गाइस इजीली क्लियर होनी चाहिए, हमने इसको कितनी फाइंड आउट करा 106।
अब गाइस देखिए जो मेरे पास एग्रीगेट एंड ग्रुप फर्स्ट में जो गिवन है गाइस देखिए वो कितना है मेरे पास 126। हम कह सकते हैं एक तरीके से गाइस देखिए ये मेरे पास कितना था 126। अब गाइस देखिए यदि मैं इसमें से 106 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर, सिंपली मैं कह सकता हूँ 60। और गाइस देखिए ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड दोनों ग्रुप मेरे पास कितने गिवन थे गाइस यहाँ पर, सॉरी गाइस ये मेरे पास कितना था 166। 166 में से यदि मैं 106 माइनस करता हूँ तो ये कितना आएगा 60। और गाइस देखिए ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में जो दोनों कॉमन थे वो कितने थे गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास 126 थे, उसमें से मैं गाइस 106 माइनस करता हूँ तो मेरा सिंपली कितना आएगा यहाँ पर 20। तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस देखिए मेरे पास एग्रीगेट और गाइस देखिए एग्रीगेट और सेकंड ग्रुप में गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितना गिवन था, मैंने आपको बताया 434 मेरे पास ये रहा, ये चीज़ यहाँ पर गिवन है, इसमें से मुझे कितना माइनस करना है 106। तो गाइस देखिए ये मेरा कितना आ जाएगा सिंपली 328। ये सब चीज़ें गाइस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस देखिए कंप्लीट एग्रीगेट की संख्या मुझे कितनी दे रखी थी इसने 658 स्टार्टिंग में ही गिवन है मेरे पास, जो एग्रीगेट में फेल हुए हैं कंप्लीट वो कितने यहाँ पर 658। अब गाइस देखिए 658 में ये भी तो इंक्लूड है, ये 60 इंक्लूड है, ये 106 इंक्लूड है यहाँ पर, और ये 338 इंक्लूड है। यदि हम गाइस इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर मेरा सिंपली कितना आ रहा है 164। अब गाइस देखिए सेकंड ग्रुप का डाटा मेरे पास कितना गिवन है यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड ग्रुप का गाइस देखिए जो डाटा मेरा गिवन है यदि मैं उसमें से इन तीनों टर्म को माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 138। सेम एज गाइस देखिए फर्स्ट ग्रुप के साथ करते हैं, फर्स्ट ग्रुप का भी हमारे पास जो है डाटा गिवन है, फर्स्ट ग्रुप का डाटा गाइस देखिए हमारे पास कितना गिवन है 372। तो गाइस देखिए माइनस करता हूँ तो मैं कितना आ रहा है ये मेरा 186। और गाइस देखिए ग्रुप सेकंड का मेरे पास डाटा कितना गिवन था 590, उसमें से मैंने तीनों टर्म माइनस करें जब मेरा कितना आया 138। तो गाइस देखिए अब जो है हम 91 से इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए देखिए अब गाइस देखिए 91 में मेरा क्या कह रहा है यहाँ पर, हाउ मैनी फेल इन एग्रीगेट बट नॉट ग्रुप सेकंड। अब गाइस देखिए जो एग्रीगेट में फेल हुए हैं ग्रुप सेकंड में नहीं हुए हैं, तो गाइस देखिए एग्रीगेट में सिंपली फेल कितने हुए हैं, हम गाइस क्या करेंगे यहाँ से लेकर ये सब चीज़ गाइस देखिए कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारे सब क्या पूछ रहा था कि आप वो बताइए जो एग्रीगेट में फेल हुए हैं ग्रुप सेकंड में फेल नहीं हुए हैं, तो गाइस देखिए यहाँ से लेकर ये सब मेरा क्या है गाइस हम सिंपली कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट में फेल हुए हैं और ग्रुप सेकंड में फेल नहीं हुए। तो गाइस देखिए 164 प्लस 60 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर 224। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा किसका, 91 का। आइए 92 देख लेते हैं। अब गाइस देखिए 92 में मेरा सिंपली क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए 92 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी फेल इन ग्रुप फर्स्ट बट नॉट इन एग्रीगेट, कि ग्रुप फर्स्ट में फेल हुए हों। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ ग्रुप फर्स्ट में मेरे कौन फेल होंगे, 186 प्लस कितना कर दूंगा गाइस मैं 20, क्योंकि गाइस देखिए फर्स्ट में कितने हुए हैं सिर्फ यही तो हुए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 186 प्लस 20। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 206। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 93 देखते हैं। गाइस देखिए 93 में यहाँ पर सिंपली मेरे से क्या कह रहा है गाइस देखिए, हाउ मैनी फेल इन ग्रुप फर्स्ट सेकंड बट नॉट इन फर्स्ट। अब गाइस देखिए ग्रुप सेकंड में तो फेल हुए हों लेकिन फर्स्ट में फेल नहीं हुए हों, तो गाइस देखिए सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पर इनको यहाँ पे गाइस देखिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ सिंपली, क्योंकि गाइस देखिए ये ग्रुप फर्स्ट में इंक्लूड मेरे कौन कौन से हैं, 106 जो तीनों में फेल हुए थे तो ग्रुप फर्स्ट में भी हुआ होगा सिंपल सी बात है, और ये 20 भी तो ग्रुप फर्स्ट में फेल हुए हैं। अब गाइस देखिए लेकिन ग्रुप सेकंड में ये पास हुए हैं, तो सिंपली क्या करना है गाइस देखिए मुझे 328 प्लस 138 कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 664। तो ये सब चीज़ें गाइस आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। आइए 94 को देखते हैं। गाइस देखिए 94 में क्या कह रहा है, एज पर द क्वेश्चन नंबर 90 हाउ मैनी फेल इन एग्रीगेट और ग्रुप सेकंड बट नॉट इन ग्रुप वन। अब गाइस देखिए कह रहा है कि ग्रुप फर्स्ट, गाइस देखिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एग्रीगेट में फेल हुए हैं और ग्रुप सेकंड में फेल हुए हों। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एग्रीगेट में फेल होने वालों की संख्या मेरी कितनी आई थी 224, हमने जो है 91 में कैलकुलेट करी है कितनी आई 224, प्लस कर लीजिएगा किस में, जो हमारे ग्रुप सेकंड में भी फेल हुए हैं, ग्रुप सेकंड की गाइस देखिए हमने 93 में कैलकुलेट किया मेरी कितनी आई है 206। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना करते हैं हम, सॉरी गाइस देखिए 93 में मेरी कितनी आई है 464, तो 464 प्लस कर लीजिएगा कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा 628 जो आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस देखिए 94 में गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था कि एग्रीगेट में फेल हुए हों और ग्रुप सेकंड में मेरे फेल हुए हों, तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर 628 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर है, क्योंकि गाइस देखिए हम ग्रुप सेकंड भी निकाल चुके हैं जो फेल हुए हैं और ग्रुप एग्रीगेट भी निकाल चुके हैं जिसमें फेल हुए हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अब गाइस देखिए 95 में यहाँ क्या कह रहा है,
कि हाउ मैनी फेल इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। तो गाई देखिए सिंपली सिर्फ क्या पूछ रहा है कि एग्रीगेट में जो पास आउट हुए हैं उनका बताइए। तो गाई देखिए एग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे, ना हमें ग्रुप सेकेंड को ऐड करना है ना फर्स्ट को करना है। तो गाई देखिए एग्रीगेट में सिर्फ और सिर्फ ओनली कितने पास हुए हैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, कितने 164। तो गाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि गाई आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। गाई देखिए 94 के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने गाई देखिए 91 में जो कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर हमने गाई देखिए 93 में जो कैलकुलेट किया है, उन दोनों को क्या करना है आपस में ऐड कर देंगे। तो गाई देखिए यहाँ पर इसको ऐड करते हैं और हम इसको ऐड करते हैं, तो गाई देखिए मेरा कितना आएगा यहाँ पर 628। तो ऑप्शन सी इसलिए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाई आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ गाइज आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए और आपको जो यहाँ पर नंबर गिवन है वो पता होनी चाहिए कि हमारे पास कौन सा टर्म गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। गाइज यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम जो है आपकी क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।